पति पत्नी और वो डायरेक्ट किया है इसको मुदस्सर अजीज ने, इसको डायरेक्ट किया, इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर ये एक ही हैं, जिसके अंदर कास्ट हैं कार्तिक आर्यन, भूमि पंडेनकर, अनन्या पांडे, अपारशक्ति खुराना जो आयुष्मान खुराना के भाई हैं। अगर मैं आप लोगों से इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ संक्षेप में यानी छोटी में, तो कार्तिक आर्यन है जो जिन्होंने प्ले किया है चिंटू त्यागी, अभिनव त्यागी, जो पूरा नाम उनका अभिनव त्यागी है और शॉर्ट नेम चिंटू त्यागी है। उनकी शादी होती है भूमि पंडेनकर जो है विभा वैदिक वैदिका वैदिका त्रिपाठी, वैदिका त्रिपाठी से। तो जब इन दोनों की शादी होती है तब इनके 3 साल होने के बाद कार्तिक आर्यन एक लड़की के अफेयर में आ जाता है जिसको प्ले किया है अनन्या पांडे ने, उसका नाम है तपस्या सिंह मूवी के अंदर। तो अब इन तीनों को लेके जो खिचड़ी बनती है वो ये मूवी की कहानी है, बस इतनी ही कहानी है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस के मूवी कैसे लगी, देखो कॉमेडी के वजह से स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस मूवी ने मुझे मतलब कनेक्ट करके रखा। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं बोर किया, मैं स्टार्टिंग से लेके आखिर तक हंसा इस मूवी में, मुझे बहुत पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कार्तिक आर्यन की जो उन्होंने चिंटू त्यागी का जो रोल निभाया है, बड़ा ही मतलब मासूम सा अजीबोगरीब हरकत करने वाला एक ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। दूसरा अपार शक्ति खुराना जिन्होंने रिजवी का किरदार निभाया है, उनका एक डायलॉग था कोई रेडी के पास खड़े होते हैं ठेले के पास, तो वो ठेले वाला उसको पान देते हैं, तो अपारशक्ति खुराना कहते हैं, नाम बहुत बड़ा है अपारशक्ति खुराना, अपारशक्ति खुराना कहते हैं कि यार माइनॉरिटी समझ के पान छोटा दे रही हो गया। उस पर हंसी आई मुझे। अब देखो यार जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेट्स तो ये कहानी है। अब देखो इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, कहानी को सीखने को क्या मिलता है, घंटा मिलता है इसमें सीखने को। अब मूवी तो कॉमेडी से भरपूर है, तो एक छोटा सा सवाल जो है वो ये मूवी देखने के बाद मेरे दिल में उठा कि दिमाग होते हुए भी ये सवाल दिल में क्यों उठा, बैड जोक, कि यार हर वक्त हर समय एक आदमी की ही कमी क्यों होती है। ये पुरुष प्रधान देश है, जो लोग मानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है जहाँ पुरुषों की चलती है, पुरुष प्रधान देश जहाँ पुरुषों की चलती है, सिर्फ वहाँ पुरुष ही गलती कर सकते हैं, औरत वहाँ गलती नहीं कर सकती। क्या मजाक था, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस करोगे ना, भूमि पंडेनकर जिन्होंने वैदिका त्रिपाठी का जो किरदार निभाया, शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है, शादी से पहले बॉयफ्रेंड था। और जो कार्तिक आर्यन चिंटू त्यागी है, चिंटू त्यागी जब शादी करने के 3 साल बाद जब एक लड़की से मिलता है तपस्या सिंह, उस तपस्या सिंह का भी बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब भूमि पंडे यहाँ पर वैदिका त्रिपाठी का भी बॉयफ्रेंड था, तपस्या सिंह का भी बॉयफ्रेंड था, अब इस इंसान ने गलती से कि एक लड़की से दोस्ती कर ली, उससे बात करने लगा, पूरी मतलब इसको सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग होती है इस मूवी में। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैं तुम उनको भी साफ दिखाओ ना फिर। और दूसरी बात, हम वैदिका त्रिपाठी जो एक लड़का उस पर लाइन मार रहा है, बार बार उसको देख रहा है, लव लेटर तक दे रहा है, तो यार उस पर कोई रिएक्शन नहीं है किसी का, बस हाँ वो सही है, वो सही है, वो सही चल रहा है वहाँ पे। लेकिन एक आदमी ने कर दिया ना यार, वो गलत चीज़ होगी, उसे करना नहीं चाहिए वहाँ पे। देखो मैं किसी चीज़ को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो उस चिंटू त्यागी ने जो किया वो सही था, नहीं वो गलत था। इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर नाम ले लिया वो वीडियो अगर उसने देख ली या उसके घर वालों ने देख ली ये वाली वीडियो, तो भैया बवाल हो जाएगा, वो मेरे को आगे यहीं मारेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो जॉब कर रहा था, अभी फ़िलहाल वो जॉब ही कर रहा है, तो उसको एक लड़की मिली, उससे वो बात करने लगा, अपनी बाइक पे उसे लिफ्ट देने लगा, उसका नंबर ले लिया, चैटिंग वैटिंग करने लग गया। तो चैटिंग करते करते तो उसने ये बात मुझे शेयर की, यार अजय यार ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक टाइम आया, उसने क्या किया, उस लड़की को जिसको वो लिफ्ट दे रहा था उसको एकदम से छोड़ दिया उसने। तो मैंने पूछा यार ऐसा क्या हुआ, तो उसने मुझसे एक बात शेयर की, उसने कहा यार जब मैं ये चीज़ें करने लगा था कि एक दूसरी लड़की जो थी उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करने लगा था और उसे चैटिंग करने लगा, जो मेरा परिवार था, मेरी पत्नी थी, मेरे जो बच्चे थे, उनके प्रति मैं ऐसे कटाव हो गया, मतलब मैं उनसे बात करने में चिढ़ रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ बात करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहा यार जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, जिनके साथ जिनके लिए मैं जी रहा हूँ, आज उनके प्रति मैं ऐसा हो गया हूँ कि उनसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा।
तो उससे मुझे ये सीखने को मिला यार, इंसान से चलो गलतियां होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन उसे ना अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। एक असली इंसान की, एक असली आदमी की जो पहचान होती है वो यही होती है कि वो जिससे उसने वचन दिए हैं वो उसी वचन के ऊपर अपनी ज़िंदगी वहाँ पे वो व्यतीत करे। अगर ये चीज़ लंबे टाइम तक चलती है कि आपने किसी दूसरी अन्य महिला के साथ कुछ प्रेम संबंध जैसी कुछ चीज़ें कर ली हैं और आपको वो थोड़े टाइम तक अच्छा लग रहा है और आप उसमें खुश हो रहे हैं, लेकिन वो एक थोड़े टाइम का एक टेम्पररी सुख सुख होता है, मतलब कि उसके बाद आपको क्या है कि आपकी जो गृहस्थी है वो कहीं ना कहीं बिखरने लग जाएगी, आपके बच्चे आपसे दूर होने लग जाएंगे, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो ये एक चीज़ जो मुझे पर्सनली मैंने अपने दोस्त की जो है वो यहाँ शेयर किया। अब था यार था, मैंने कर दिया, उसका नाम मैं ले नहीं सकता। अब वो बहुत अच्छा है यार, उसने मुझे बहुत कुछ चीज़ें शेयर भी की हैं, बहुत अच्छी, उसने मुझे एक वो इंसान जो वो उस चीज़ से सुधर भी गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं था कि भाई कोई महिला ने आके एकदम से ऐसे कोई फिल्म वाली जो इसमें दिखाया गया वैसी चीज़ें, नहीं यार, वो उस इंसान को खुद ही अकल आ गई कि यार हाँ कि यार ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। ऐसे ही इसमें हुआ चिंटू त्यागी को खुद, जब एक वो एक अपनी मर्यादा में रहता है, उसे पता है कि उसे दोस्ती करनी है, उसे बस उससे उसे आगे नहीं जाना है। और ऐसा मूवी में दिखता भी है कि भाई जब वो फिजिकल रिलेशनशिप में जब अनन्या पांडे उसकी तरफ बढ़ती है तो वो पीछे हट जाता है, उसको अपनी पत्नी याद आती है उस वक्त कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, तो वो उस चीज़ को मानता है। फिर उसको अपनी पत्नी याद आती है तो वो चला भी वापस जाता है अपनी पत्नी को ढूंढते हुए। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि भाई उस चिंटू त्यागी को उसमें पश्चाताप हो रहा था कि हाँ कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। फिर भी चलो एंटरटेनिंग के तौर पे अगर ये मूवी लंबी की गई है तो क्या कह सकते हैं, बाकी महिलाएं भी करती हैं यार, ऐसा नहीं है कि हर वक्त पुरुष ही करते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। हर वक्त हमें मत कोसो यार, ठीक है, कि तुम मर्द ही खराब हो, वो घटिया हो, वो दूसरों पे नज़र रखते हो। हाँ अगर मेजोरिटी में रखते, लेकिन हर कोई नहीं रखता, ठीक है, बाकी कई रखते होंगे लेकिन हर कोई तो नहीं रखता ना। बस क्या मूवी काफ़ी अच्छी है, अगर आप देखना चाहें तो इसे देखें, बहुत कॉमेडी भरपूर है, कॉमेडी तो बहुत अच्छी है इसके अंदर। खासकर मुझे तो एक लड़का था राकेश यादव, देखो राकेश यादव जिनको नहीं पता, राकेश यादव एक देखो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो उनको अच्छे से पता राकेश यादव कौन है। वो सर है, वो मतलब वो मैथ पढ़ाते हैं, वो SSC की तैयारी करवाते हैं, तो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं ना राकेश यादव, आपको खुद पता चल जाएगा राकेश यादव कौन है। तो जब उनका नाम बीच में आया तो मेरे को बड़ी हंसी आई, मगर राकेश यादव सर यहाँ क्या कर रहे हैं। चलो खैर छोड़ो, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो यार, अच्छी मूवी आई है काफ़ी टाइम बाद और भरपूर है कॉमेडी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।